हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं यूट्यूब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो यही है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए हैं सभी के लिए, तो लेडीज़ के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ आप कुछ एक्शन लीजिए, और नहीं तो YouTube प्लेटफॉर्म पे एक टैग लगा दीजिए, लेडीज नो एंट्री। क्योंकि लेडीज कहीं सुरक्षित नहीं है, हर जगह पे, ऑफिस, कॉलेज, किसी भी फील्ड में, कहीं भी कोई भी काम करें, उनके मन के अंदर एक डर सा बना रहता है, उनके अनहोनी सा डर उनके साथ हर वक्त लगा रहता है कि उनके साथ कब क्या हो जाए। वो स्वतंत्र नहीं रहती हैं, उनके माता पिता उनको इतने मन से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे ढंग से उनकी परवरिश करते हैं। आज तो कहीं भी बेटे बेटी में फर्क नहीं है, हर माता पिता अपने बेटे और बेटी को एक बराबर रखते हैं और एक बराबर ही पढ़ाते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि जितना कामयाबी उनके बेटे को मिले, उतनी ही सफलता उनकी बेटी को भी मिले। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके पर काटने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। क्या मिलता है उनको उनके अपनी लड़कियों का या किसी की भी बेटियों का पर काटने में, उनके अरमानों को कुचलने में, उनके हौसला को तोड़ने में? कौन सी खुशी उन्हें मिल जाती है? इतनी जिम्मेदारी होती है लेडीज के ऊपर, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, दो दो घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, जो कोई भी जेंट्स नहीं कर सकता है। चाहे वो जेंट्स जितना भी टैलेंटेड हो, कभी नहीं कर पाएंगे। जितनी जिम्मेदारियां औरतें निभा लेती हैं, कभी नहीं निभा पाएंगे, बिल्कुल नहीं निभा पाएंगे। उसके बावजूद भी उनका इतना अपमान, इतना तिरस्कार क्यों होता है? औरतों की जिंदगी में चार जेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं, पिता, भाई, पति, बेटा। उसी तरह से पुरुष के भी जिंदगी में चार औरतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो माने या ना माने, उनको जन्म देने वाली उनकी माँ, उनको अपना पहरेदार बनाने वाली उनकी बहन, उनके जिंदगी में प्यार के रंग भरने वाली उनकी धर्म पत्नी, उनकी बीबी, उनके घर आंगन को खुशियों से भरने वाली उनकी बेटी। क्या किसी को ये बात समझ में नहीं आती? अगर लेडीज नहीं रहेंगी, अगर औरतें दुनिया में होंगी ही नहीं, तो क्या आप अपनी दुनिया को चला लेंगे? सिर्फ पुरुष की बदौलत ये दुनिया चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो प्लीज़ औरतों को कुचलना, रौंदना बंद कर दीजिए, उन्हें जीने दीजिए। वैसे भी वो आधी डरी सहमी ही जीती हैं, उनको तो पूरी स्वतंत्रता है नहीं। ससुराल में हो, ससुराल में कम उनको झेलना पड़ता है, कम परेशानी उठानी पड़ती है, हर कदम पर अपने अरमानों को कुचलना पड़ता है, अपने ख्वाहिशों को तोड़ना पड़ता है, हर कदम पर उन्हें समझौता करना पड़ता है, करके, क्योंकि उन्हें अपने घर गृहस्थी को बचाना होता है। वो मायके में भी सबसे प्यार करती हैं, ससुराल में भी सबसे प्यार करती हैं, सास ससुर या जो भी फैमिली होती है, अपना कर्तव्य पूरी कर्म निष्ठा के साथ निभाती हैं, फिर भी उनके साथ कभी भी न्याय नहीं होता, कभी भी न्याय नहीं होता। घर में बैठे एक काम करने का मौका मिला, अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिला, अपने प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला यूट्यूब पे, तो अब यूट्यूब पर भी उनको सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा, उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी ही बहन बेटी किसी के साथ भी ऐसा होगा, तो क्या यह सही होगा? आप लोग जो करते हैं सही करते हैं? कभी अपने अंतरात्मा से झांक कर देखिए, क्या आप सही करते हैं? क्यों उनको, उनके दिल में क्यों डर बना है? प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए और उन्हें जीने दीजिए, प्लीज़ उन्हें जीने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।